सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मयूर कुकुट वृत महाशक्ति धरे नघे
ಸಂತಾನ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಚಾರ ತ್ರೇತ ಪರಮಾಯುಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಷ್ಣವೇ ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ಮಹಾಚಕ್ರ ದಷ್ಟಾಧತಪ ಸುಂದರ ವರಾಹ ರೂಪಿಣೇ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ನೃಸಿಂಹ ರೂಪೇ ಅಗ್ರಣ ಹಂತೋ ದೈತ್ಯಾಧ್ಯಮ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ಕಿರೀಟನೆ ಮಹಾವಜ್ರ ಸಹಸ್ರಜ್ವಲ ವೃತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹರೇ ಚಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ಶಿವಧೂತಿ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದತ್ತ ಮಹಾಭಯ ಘೋರ ರೂಪೇ ಮಹಾರಾಮೇ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ದಷ್ಟಾಕರಾಲವದನೆ ಶಿರಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಣ ಚಾಮುಂಡೆ ಮುಂಡಮತನೆ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಜ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ಶತ್ರೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸುರೇ ಧುವೆ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ಮೇಧೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬರೆ ಭೂತಿ ಭ್ರವಿತಾಮಸಿ ನಿಯತಮಸಿ ದೇಶ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುದ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತ ಭಯವಸ್ಸಾಯಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮಸ್ತುದ ಏತತ್ತೇ ವದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯ ಭೂಷಿತಂ ಪಾದುನಃ ಸರ್ವಭೀತೇವ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಮಸ್ತುದ ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲಮರ್ತ್ಯಗ್ರಂ ಅಜೇಷಾಸ್ವರಚೋದನ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾದುನೋ ಭೀತರ್ಭದ್ರಕಾಲೀ ನಮಸ್ತುದ ಹೀನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯತೇಜಾಂಸಿ ಗುಣೇನ ಪೂರಯಾಜ ಸಖಂಡ ಪಾದುನೋ ದೇವಿ ಪಾಪ್ಯಭ್ಯೋನಾಶತಾನಿವ ಅಸುರಾ ಸರ್ವಸಾಪಂಕ ಚರ್ಚಿತ ಸೈಕಲಜ್ವಲ ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗ ಭವತು ಚಂದ್ರಿಕೇ ತ್ವಾಮತಾಭಯ ರೋಗಾನ ಶೇಷಾಲಪಃ ಸ್ವಿತುಷ್ಟ ವೃಷ್ಟಾತು ಕಾಮಾನ ಸಕಲಾನಮೇಷ್ಟ ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ ಸ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾಯ ಶ್ರಯತಾಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಏತಾಂ ಕೃತಾಯಾತ್ ಕದನಾಂ ಜಯಾತ್ಯ ಧರ್ಮಾಂ ದಿಶಾಂ ದೇವಿ ಮಹಾಸುರಾಣಾಂ ರೂಪೇಣೇಕೇನ ಬಹುಧಾತ್ಮಹೋತಿ ವಿತ್ವಾಂಬಿಕೇತಾತ್ ಪ್ರಕರಾತಿ ಕನ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಿವೇಕಜೀವೆ ಶ್ವಾದ್ಯೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಚಕಾತ್ವಧನ್ಯ ನಮತ್ವಗತೇ ಮಹಾಂಧಕಾರೇ ನಿರ್ಭ್ರಾಮಯತೇ ತದತೀವ್ರವೇಶ ರಕ್ಷಾಂತಿ ಯತ್ರಾಗ್ರವಿಶಾಸನಾಗ ಯತ್ರಾರಯೋಗಸ್ಯ ಬಲನಿಯತ್ರ ನಾವಾನಲೋಯತ್ರ ತಸಾಧಿ ಮಧ್ಯೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾತ್ರ ಪರಿಪಾಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವಲೇತ್ವಂ ಪರಿಪಾಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಾಧಾರಯಸೀತಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವಂದ್ಯಾಭವತಿ ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾಯೇ ತ್ವಯಿನಮ್ರಃ ದೇವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಿಪಾಲಯನಾಲಿಭಿರ್ ನಿತ್ಯಂಯಥಾ ಸರ್ವಥಾ ಜದುನೇವ ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಾನಿ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಪ್ರಶಮನ್ನಯಾಶ ಉತ್ಪಾತಪಾಕಯನಿತಾಶ ಮಹಾಪಸರ್ಗಾಂ ಕೃತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾತಿಹರಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಮಿತ್ಯ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾ ಭವ ದೇವ್ಯೋ ವಾಚ ವರದಾಹಂ ಸುರಗಣಾಂ ವರಂ ಜನ್ಮನ ಶಂಸಥ ಸಂವೃತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಜಗತಾಮಪಕಾರಕ ದೇವಾಕೋಚು ಸರ್ವಾಬಾಧ ಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಥಿಲೇಶ್ವರಿ ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸ್ವ ವ್ಯಾಲಿ ವಿನಾಶನ ದೇವ್ಯೋ ವಾಚ
देवस्वरेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानि शुम्भस्येवान्य पुष्पस्येते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यमनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् वक्ष्यन्तश्रुतानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादत्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमाः ततो मां देवतः स्वर्गमर्त्यलोके च मानवाः त्वन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवाचक्यमनाभिश्च मनभसि मुनिभिः संस्कृता भूम सम्भविष्यामि जनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मणि कीर्तयिष्यन्तिजः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवेः वरिष्यामि सुराशज्ञयाविष्टैः प्राणधारकैः शोकम् भरीति विख्यातम् तदा यस्य महल् भवेत् तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यौ महासुरम् दुर्गादेवेति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमरूपम् कृत्वा हिमाचल रक्षन्ति भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मामुनयः सर्वे स्तस्यन्ध्यानम् रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यश्चैलोके महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् भ्रमरम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्यषट्फलम् त्रैलोक्यस्यैतार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेते च मां लोकस्यदा स्तोषन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्यामि संशया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवद माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्तिभाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य करें माँ भगवती की स्तुति इसका क्षफल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ के कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है।
धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होती ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धामसमप्रभाविनपते स्कन्धास्थितामेशनाम् कन्याभिकरभालक्षेत्रविनशत् हस्ताभिलासेवितां हस्ते शक्रगदाधिकेत्रविशखाश् चापनन्तजने बिभ्राणमण्डलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच देवेश्वरेशमान्यत्र स्तोषते यः समाहितः तस्याहं सकलां वदं नाशयिष्यामि सञ्चयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् एते सन्ति एतद्भरं शम्भरिशम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकशतशः स्तौ सन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतस्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैष्णवियोजनम् शत्रुतो नाभयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रानरतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यते यस्मामवेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्यतात् उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्धवान् तदा त्रिविधमुत्पात माहात्म्यं शमयेन् मम यत्र तत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतनेन मां सदा नादल्लि मोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने भूयाय मग्निकार्ये महासवे सर्वं मे चैचरितम् उच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जामिता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्यामहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामले तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यासुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममे तन्माहात्म्यं तथा च पत्युः शुभाः पराक्रमं ये युद्धेषु जायते निर्भया भवान् रिपवः सङ्घ्रियं जान्ति कल्याणं च भवत्यते नन्दते जङ्गलं पुंसमाहात्यमशृणुतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयात् उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं जनने दुष्टसुस्वप्नमुपजायते बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे जनेनामेत्रे कर्णमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलानि करं परं रक्षाभूतविशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैश्च दत्तमेः विप्राणा भोजने रोमे प्रोक्षणीयहरणिशम् अन्ये च विविधैर्वागः प्रदाने वत्सरे नया प्रीतिर्मे क्रियते सासु सकले सुचरिते शुते श्रुतं हरति पापाणि तथा लोक्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं नम युद्धेषु चलतं जन्म दुष्टदैत्यनिवर्हणम्
तस्मिन् शुभे वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः ब्रह्मणा च कृतास्तास्वयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरेवापि दावाग्निपरिवारितः यस्य भृधामितः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाजप्या मध्य मन्दगतोऽपि वा आधूनितो वा पापेन स्तः पूते महानवे पतसु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाभासु फलासु वेदनादृष्टिलोऽपि वा समर्णमेतमुञ्चेत सङ्गतात् मम प्रभाव सिंहाद्यादस्य वैरिणश्रुध दूराधेव मलायन्न स्मरत्वशलितं मम ऋषुलभाच यद्युक्त्वा स भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वान्तरधीयत एभि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान्यथा पुरा जक्षभाजमुजा सर्वे चक्रविनिहतादयः दैत्याश्च देव्या निहत शुम्भे देवलिपायुधे जगद्विध्वंसने तस्मै महाग्रेतलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयेयान्मोह्यते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जायचना च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं वेद सकलं ब्रह्माण्डं मणिजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भरत्रया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्विद्यैर्विराग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते सदा सम्भूयता पुष्पे धूपगन्धादिवे सदा ददाति वित्तं पुत्राश मतिं धर्मे गतिं शुभा सिद्धकुञ्जिकस्तोत्र शिवावाच शृणु देवे प्रवक्षामि कुञ्जिकास्तोत्रमत्तम येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभ भवेत् नागौचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं नासुक्तं नापि ध्यानं च नान्यासोन च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिभूयतरं देवि देवानां दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं वहनं वश्यं संवरोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिकास्तत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वेत्से ॐ ग्लौं ह्रों क्रीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ज्वलहंसं लङ्घं भस्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटवहरिण्ये नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिने व्याघ्रतैः महादेवे यपन् सिद्धं करस्व मे एकारे सृष्टिरूपाय एकारे प्रतिपालिका क्लेकारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाते च एकारे वरधायिने भिक्षे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां धें धं धर्यते पर्णे वामे भुं बाघधीश्वरे त्रां क्रीं क्रोङ्कारिका देवे शां श्रीं शुमे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 भराधिने भ्रां भ्रें भ्रं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चण्डं तं कन्यं छं भिङ्गुं ऐं भिङ्ं हं छं
द्विजाग्रम द्विजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीर्घं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भुं पार्वती पूर्णां सां भीं भुं कैचरे तथा सां श्रीं सं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धं कुरु शुभे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागर्ति हेतवे स्वभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वते यस्तु कञ्जिकया देवी श्रीणां सप्तशतीं वधे ज्ञातस्य जायते सिद्धिः अरण्ये राधनं यथ अथ दुर्गापद्मनस्तुतो नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगदन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे नमस्ते जगच्चेत्यमानन्दरूपे नमस्ते महायागिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणिसाहिदुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृशनाकरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तः त्वमेका गतिर्देवि निःसारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अरण्ये नमस्ते जगत्तारिणि दुर्गे नमस्ते निकचन्द्रदोदण्डमीला समखण्डताखण्डलाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्विघ्नखण्डास्ति नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे त्वमेका सदाराधितशास्त्रवादे अनेकाखिलाक्रोधनक्रोधनिष्ठा विधापिङ्गलाकं सुषुमनाचनादि नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे नमामि विदुर्गे शिवे भेमदादे सदा सर्वसिद्धे सदा श्रेष्ठरूपे विभूतिः सदा कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजवराणां व्यारिणिः पीडितानां विपदे त्वमस्ति
Bye.
हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। Oh.
उद्धार भाई बंधु भक्तजन साधक जन अपने दुखों को दूर करने के लिए सुखों की प्राप्ति के लिए इस मजगजन ने जगत माता के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में जे माँ भगवती आदि शक्ति जिन पर प्रसन्न हो जाती है जिन पर इस माँ भगवती जगजन की कृपा हो जाती है माँ भगवती कृपा से माँ का आशीर्वाद से उन भक्तों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और जब जो भगवती जो है रोष हो जाते हैं क्रोध हो जाते हैं तब जो है संभव भी असंभव हो जाता है। इसलिए भक्तजन माँ को रिझाने के लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते कि देवी हम पर प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ आपकी पूजा में आपकी आराधना में आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो कोई भूल हुई हो किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो कोई पाप हुआ हो तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना सर्वदा हम पर अपने दया दृष्टि बना रखना अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना सर्वदा इसी तरह से अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखना अपने चरणों की हमें भक्ति देना ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए आपकी आराधना अर्चना आपकी भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भगवती की पूजा माँ की आराधना माँ की भक्ति जो है जी समस्त कष्टों को दुखों को दूर करने वाली ही सुखों को देने वाली ही विघ्नों को दूर करने वाली ही घर ग्रस्त में जो है सुख शांति देने वाली ही और जीवन यात्रा को जो है जी सुखद बनाने वाली ही। इसलिए कल्याण का मनुष्य जो है प्रयत्न पूर्व माँ के शरण धो करके ये देवी की पूजा शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। अपने इस देव के प्रति सच्ची श्रद्धा विश्वास और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता ये तीन बातें जो है जिसके हृदय में रहती है यकीन मानिए वो जगजननी जगत माता की उस इस देव की जो है अवश्य कृपा होती ही क्योंकि उसी देवी की कृपा से ही हमारे शरीर के श्वास जो चलते हैं श्वासों की गति जो है जो चल रही है ये सब उसी की कृपा है। हम कुछ भी नहीं जो कुछ हमारे पास है या जो कुछ हम प्राप्त करते हैं ये सब उसी की कृपा है। हम को कार्य करते हैं सफलता मिलती है बड़े आनंदित होते हैं परंतु भूल जाते हैं कि ये किसकी कृपा से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसकी हम पर कृपा है जिसकी कृपा से जो है हम सबके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां पर जो है मान सम्मान मिलता है जो मन में सोचते हैं वह कार्य सिद्ध हो जाता है। ये क्या है जी सब उसी की कृपा है और उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। मैं इस धर्म में आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं ये पुराण की ही कथा है। कहते कि एक बार एक ब्राह्मण परिवार पति पत्नी जो है किस चीज की जीवन में कमी नहीं थी ना धन शक्ति की कमी थी सब ठीक था परंतु संतान सुख नहीं था। भगवान से प्रार्थना करते माँ की आराधना करते कि हम पर कृपा हो जाए अब जो है अवस्था चलते चलते
वृद्ध अवस्था होने लगी, माँ की कृपा हुई, देव कृपा हुई, तो उनके घर जो है संतान सुख हुआ, संतान की प्राप्ति हुई और सभी जो है एक प्रकार से खुश हो गई। सखा संबंधी भाई बंधु जो है बुढ़ापे में ही सही काम का संतान सुख देख तो लिया, बड़े आनंदित हैं दोनों परिवार जो है, पति पत्नी जो है आनंद आनंद है, असीम आनंद है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब आंगन में खेलता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, तोतली तोतली बात करता है, थोड़ा बड़ा हुआ, अकस्मात उस बच्चे की मृत्यु हो गई। पहले था नहीं दुख था, हुआ सुख आया और फिर दुख, जो सुख दुख मैंने एक दिन बतला रहा था, जो आते जाते रहते हैं, सदा किसी के जीवन में ना दुख रहता ना सुख रहता है। जैसे चलने के लिए दो पैर अनिवार्य हैं, वैसे जीवन के लिए जो दुख दुख भी अनिवार्य है। बहुत दुख में भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, और मैं प्राय बतलाता हूं कभी कैसा भी दुख आ जाए अपना धैर्य मत खोइए। ऐसी विपत्ति है, सभी दुखी हो गए और उन माता पिता का क्या हाल था, बच्चे की मृत्यु होगी, अब जो है सभी जो है शमशान घर पर पहुंचे। शमशान घर पर पहुंचते हैं तो शमशान पर जो है एक गीद रहता था और एक सियार, और वहीं जो शवों को खा करके अपने उदर पूर्ति करते थे। अब शमशान में आए हैं, बड़े दुखी हैं, माता पिता रो रहे हैं, जितने जितने संबंध होता है सबको दुख होता है, क्योंकि संयोग है तो वियोग भी है। संयोग हुआ अभियोग आया, संयोग हुआ खुशी आई, वियोग हुआ तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शमशान में बैठे हैं, विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, अब इसे छोड़ करके जब परिवार जाने लगा तो कहते हैं वहां पर जो था गीत जो था वह कहने लगा कि इस प्रकार से दोनों शमशान में वह रहते हैं गीत और सियार जो है, तो वे कहते हैं कि मैं बहुत समय से जो है इस शमशान में जो है बहुत समय से रहता हूं, लाखों शब्द जहां पर जो है ये लाते हैं, शब आते ही छोड़ करके चले जाते हैं, सगा संबंध क्योंकि इतना ही संबंध होता है, और जो है छोड़ करके चले जाते हैं। देखो ये जग जो है सुख और दुख से जो है ये व्याप्त है, सुख दुख जो आते जाते रहते हैं, सबको जो है संयोग और वियोग ये प्राप्त होता ही है। काल जी नहीं देखता जब बालक है जब वृद्ध है, जब जन्म जिसका है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई भी मृत्यु के बाद जो है जीवित जो है कभी हुआ नहीं। अब इतने विलाप कर रहे हैं जो शोक जो छोड़ी, प्राणियों की ऐसी ही गति होती है, सबको एक दिन यहीं पर आना, शमशान घाट पर गीत समझा रहे हैं, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन बीच में स्वार्थ अपना, सभी प्राणियों को जो है वे कहते हैं कि इस प्रकार से वे गीत जो कह रहे हैं कि यही गति है और सबको जो है एक दिन जो है शमशान पर आना ही है, मृत्यु होनी है, और मृत्यु लोक में जो है जिसका जन्म है उसका मरण भी जो है निश्चित है, अतः आप लोग जो है शोक छोड़ करके मोह छोड़ करके आप वापस चले जाइए। वह गीत सोच रहे थे चले जाएंगे तो मैं इसको खा लूंगा, और सियार जो है वह अपना काम बनाने के लिए दैवी बड़े ज्ञान की बात कहता है कि ये यदि जल्दी चले जाते हैं तो जो है जी इसको खा जाएगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, जय जो थोड़ी देर रुक जाए सूर्य अस्त हो जाएगा रात्रि को, इसको मैं आराम से खा सकूंगा। अब जो है वह सियार जो है उनसे कहता है, क्योंकि गीत की बातें सुनकर के उन्हें देखा कि बात तो सही कह रहा है, कोई जीवित तो होगा नहीं और जिसकी मृत्यु हो गई है अब जो है इसका पुनः जीवित होगा नहीं, तो हमको मोह त्याग करके जो है अब जो है हमें जाना चाहिए, तो जाने के लिए तैयार हुए तो जो है सियार जो था वह आगे आकर के उनसे कहने लगा, देखिए अनेक प्रकार के शुभ अशुभ जो है ये समय आते जाते रहते हैं, कभी शुभ होता है कभी अशुभ होता है, और किस घड़ी जो है किस पल जो है हमारा शुभ हो जाए
इसको तो पता ही नहीं। ये भी हो सकता है कि कौन सा पल हमारा शुभ आ जाए, अभी जो है कष्ट चल रहे हैं, विपत्ति चल रही हैं, आने वाले समय में कौन सा पल हमारा शुभ हो, हमारे सारे दुख जो है दूर हो जाए, हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। और इस प्रकार श्यार जो है वो उसे समझाता हुआ कहते हैं कि शुभ अशुभ जो है ये आते जाते रहते हैं, हो सकते हैं कोई शुभ घड़ी शुभ पल जो आ जाए और आपका जो बेटा जो है जीवित हो जाए। आप क्यों नहीं इसके पास बैठते, और उस समय यदि जीवित हो गया, आप छोड़ करके जा रहे हैं, यदि जीवित हो गया तो वह आपको ना देख करके ये रोदन करेगा, ये रोएगा, मेरे परिवार के लोग कहाँ चले गए, उस समय ये रोएगा। इस प्रकार से इसके जीवित होने की जो है आप जो है आशा रख करके जो है प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, कम से कम सूर्यास्त तक तो बैठो। अब जो है उसकी बात सुनकर के फिर वह कहते हैं कि बात ठीक है, हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, कम से कम जो है इसके पास तो बैठे, हो सकता है जीवित हो जाए। अब कहते जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति की बुद्धि काम ठीक करती नहीं है, क्या करूं, उचित क्या है अनुचित क्या है, इसकी बात माने जो उसकी बात माने, और दोनों उसको समझा रहे हैं। ऐसा समझाते हुए जो है फिर वह रुक गए। जब रुक गए तो गीत जो था, ये एक पक्षी है एक पशु है, गीत पक्षी है और श्यार पशु है। अब गीत जो है फिर से उनको कहता कि देखो एक दिन जो है तुम सबकी यही गति होनी है, सबको एक दिन जो है मरना है, अपने कर्मानुसार ही जो सुख दुख की जो है ये प्राप्ति होती है, और शोक छोड़ करके आपको चले जाना चाहिए, आप कहां इनकी बातों में पड़े हो, आज दिन तक कोई जीवित हुआ ही नहीं, मेरी इतनी आयु हो गई, इतना समय हो गया है मुझे यहाँ पर रहते शमशान घाट पर जो है, इस प्रकार से आप जो है ये आशा छोड़ करके चले जाइए और इस प्रकार से ये मोह त्याग दीजिए, ये जीवित नहीं होगा। उसके बाद सुनकर के फिर वे चल पड़े। श्यार जब पुनः उनके पास आकर के फिर कहने लगा आप इन किसी बातों में मत आइए, जे क्या कह रहे शेयर कहते हैं कि तुम लोग जो है इस गीत की बातों को जब मत सुनिए, इनकी बातों में मत आइए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप मनुष्य जो है कितने स्वार्थी होते हैं, कितने स्वार्थी हैं, तुम जो है मेरी बात नहीं मान रहे हो, अपने अवेश की सिद्धि के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, हो सकता कोई देव कृपा हो जाए, प्रार्थना करनी चाहिए देवी देवताओं से, अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, हो सकता है किसी दुर्देव जो है वे आपको कृपा कर दे और आपका पुत्र जो है जो पुनः जीवित हो जाए, इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो जाए, देव कृपा से जो है सिद्धि प्राप्त हो सकती है, दया देवता ही करते हैं, आपको अपने इष्ट की अपना जो भी देव जो है उन देव देवता का स्मरण कीजिए, अपने पुत्र के शुभ की कामना कीजिए, हो सकता है जो जीवित हो जाए, क्यों नहीं आप ऐसा करते। इस प्रकार से आप जो है उनको कहते हैं बात ठीक कह रहा है, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करने से कि देव देवता प्रसन्न हो जाए, हो सकता है हम पर कृपा कर जे, वृद्धावस्था में कृपा हुई तो सुख मिला, अब जो दुख मिल गया है, हो सकता है कोई हमारा कोई पाप था जिस कारण से जो है हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई, प्रार्थना करने से वह पाप दूर हो सकता है। फिर विचार आया तो रुक गए। तब जब गीत जो है पुनः जो कहता है आकर कहता है कि मुझे जन्म लिए जो है हजार वर्ष जो है ये बीत गया है, गीत की बड़ी जो है ये लंबी आयु होती है, हजार वर्ष हो गया है मैंने किसी को मरने के बाद जो है जीवित होते हुए जहां पर नहीं देखा है, आज लगता है कोई नई बात होने वाली है, कब इसकी बात सुनकर के रुके जा रहे हैं, आप जाते नहीं हैं, और इस प्रकार से इसके कहने पर जो है आप रुक गए हो, और जी ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ये चल सकते हैं, ये तो शब है, इसकी जीवा तो निकल चुकी है, और जो है शोक मोह को छोड़ करके आपको लौट जाना चाहिए, और फिर भी आप रुक रहे हैं, अब पता नहीं कोई कुछ न्याय होने वाला है, इसलिए मैंने तो अब तक हजार वर्ष मेरी आयु हो चुकी है, इतना समझाते फिर उसकी बात सुनकर बात तो ठीक कह रहा है, फिर जो है वे रुक जाते हैं। अब श्यार जब पुनः उनसे कहते हैं
किसी सिद्ध मुनि महात्मा देवी देवता आप स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कृपा हो सकती है। मुझे ऐसे लग रहा है कृपा हो सकती है। आप अपने बालक को देखिए, जो बच्चा जिसे शमशान पर लेकर के आए हैं, इसके मुखमंडल को देखिए, ऐसा लग रहा है जी अभी बोल पड़ेगा, जब भी बोल पड़ेगा जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आपका तो पुत्र है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यों नहीं किसी देव देवता से प्रार्थना करते, हो सकता है उनकी कृपा हो जाए। एक जो पशु है, दूसरा पक्षी है दोनों का स्वार्थ, और बातें दोनों वैराग्य की, ज्ञान की कर रहे हैं। अब जो है फिर वह रोकते हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और इस सारी लीला जो थी, जे माँ भगवती जगदम्बा माँ पार्वती देख रही थी, ये सारा दृष्टांत सब देख रही थी। माँ माँ होती है, तभी कहते कि माँ का ऋण पुत्र चुका नहीं सकता। माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है। माँ पार्वती को जो है बस सब देख रही थी, और उसे दया इस परिवार पर कि बुढ़ापे में संतान हुई, मृत्यु हो गई, और शमशान पर जो दोनों समझा रहे हैं, दोनों का स्वार्थ भी है, एक ही बात सुनकर के रुक जाते हैं, एक ही सुनकर के चल पड़ते हैं, और जे तो बेचारे दुखी हैं। संतान दुख क्या होता है जब माता पिता जानते हैं, जब बुढ़ापे में कमर टूटती है। तो माँ पार्वती को बड़ी दया आई, तो उसने भगवान शिव को संबोधित किया। भगवान शिव को जो है प्रेरणा दी, महाराज कृपा करो जाओ। भगवान शिव तो वैसे ही शमशान वासी ही, कहते भगवान शिव जो है संध्या का समय हो रहा था, सूर्य अस्त होने वाला था, भगवान शिव वहां पर साक्षात प्रकट होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। कृपा होगी, भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। अब सारा परिवार बैठा हुआ था, रो रहा था, सब के सब जो है भगवान शिव के चरणों में दंडवत जो है प्रणाम करते हुए अपने मस्तक जो थे भगवान शिव के चरणों में रख दिए। महाराज बड़े दुखी हैं, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है, बुढ़ापे में संतान सुख मिला, अब देखिए महाराज इसकी मृत्यु हो गई है, इसको जीवन दान दीजिए और हमें भी जीवन दीजिए, हम बड़ी जी पाएंगे, कृपा कीजिए महाराज। कहते भगवान शिव ने कृपा की, और वह बालक जो था जैसे सो करके बच्चा उठता है वैसे उठ करके खड़ा हो गया। भगवान शिव की कृपा हुई, भगवान शिव ने उसे हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया, सताजु भव, आयु का वरदान भी दे दिया कि तेरी आयु 100 वर्ष की होगी। सताजु भव, पहले तो आयु थी नहीं, जितनी थी समाप्त हुई, आप क्या कृपा हुई। तो जी विपत्ति काल में जब एकाग्रचित होकर के भगवान का स्मरण करता है व्यक्ति, वह पुकार या प्रार्थना जो है वह सुनती है, माँ सुनती है, सबकी सुनती है, जब हृदय की पुकार वहां तक पहुंचती है। अब जो है उधर गीत और श्यार जो थे दोनों, उनका जो स्वार्थ था, कहते कि उनको भी भगवान शिव के दर्शन हुए, और भगवान शिव ने उनको भी तृप्ति का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। बोले सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये था, इस कथा से भी यही हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो है शक्ति की उपासना ये सर्वोपरि है, क्योंकि शक्ति बिना संसार का पत्ता भी ढूंढ नहीं सकता। सब देवगण ब्रह्मा विष्णु देवता भी इसी देवी की आराधना उपासना करते हैं, और जीवन में जो है भक्ति जो है इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है, यदि कोई अपना जीवन सुख चाहता है तो उसे हमेशा अपना जो भी आपका इष्ट है, जैसे भी आप मानते हैं, जिसको आपने अपने हृदय बिठाया, क्योंकि वह देव जो है वह एक ही है, उन्हीं की इच्छा उनका संकल्प था कि मैं अनेक रूप में प्रकट हो जाऊं, एक हूं भूस्याम, मैं एक हूं भूत हो जाऊं, तो जय उसी का संकल्प है जो उसी की सृष्टि है, मैं भगवती का ही सब संसार जय रूप है। इस प्रकार से जो उसके शरणक धोकर की भक्ति करते हैं, उनके जीवन पहली बात कष्ट आते नहीं, उनका जीवन बिल्कुल सुखपूर्वक चलता है, और यदि कोई कष्ट विपत्ति आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आई कैसे और चली कैसे गई।
दूसरे ग्रस्त में जब हम आते हैं तो ग्रस्त में जो है आकर के खूब भक्ति करें, क्योंकि आने वाली आपकी संतान जो है, जिस घर में भक्ति होती है, भगवान के नाम का जप होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, अतिथि सत्कार होते हैं, साधु संत का सम्मान होते हैं, उनकी संतान जो आज्ञाकारी होती है, धार्मिक होती है, कभी माता पिता को दुख नहीं देने वाली होती, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली होती है, दूसरों का मान सम्मान करने वाली होती है, वह नगर की, समाज की, देश की सेवा करने वाली होती है, ऐसी संतान जिस घर में भक्ति होती है, क्योंकि वह पुण्य जो होता है, जो सत्कर्म होते हैं, जो माता पिता के सत्कर्म होते हैं, वह पुण्य जो है उसका आशीर्वाद, उसका फल जो है आगे संतान को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और यदि बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी संतान को ही भोगना पड़ता है। इसलिए प्रजनन पूर्वक जो कल्याण का मनुष्य को जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो है इस शक्ति की उपासना माँ की भक्ति जो है अवश्य करनी चाहिए। और जिसके जीवन में माँ की भक्ति है उसके जीवन कभी कोई कमी आ नहीं सकती किसी चीज की। वह भक्त जो है जो मन में संकल्प करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, सब परिपूर्ण होता है। बोलो सच्चे द्रव्य की जय। तो माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको वरदान दी, आपको आशीर्वाद दी, आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करें और सदा सर्वदा आप भक्तों का मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोलो सच्चे द्रव्य की जय। तभी समय अधिक हो चुका है, भजन के बिरला हम निवेदन कर रहा हूँ। श्री जयपाल से माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री जयपाल। जयकारा शेरा वाली दास बोल सच्चे दरबार की जय। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना चुके। रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना छूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना छूटे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना छूटे। अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता रहे। चलाई है एक तेरे भरोसे पर मैंने, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई।
चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। न छूटे हाथों से तेरे मेरी पदवा न छूटे। और जियूं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। और जियूं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। मां जग रूठे पर मुझसे मेरी मां रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जब भी ठोकर खाकर मैं जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ। चलते चलते गिर जाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे। तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जय जय मामा जय जय मामा मेरी मामा। जय जय मामा जय जय मामा मेरी मामा मेरी मामा। जय जय तमन्ना जीवन की बस ये तमन्ना जीवन की। हर जन्म में तेरा साथ मिले हर जन्म में तेरा साथ मिले। बस एक तमन्ना जीवन की बस ये तमन्ना जीवन की।
हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह किस्मत वाला लुटे, माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा जज्बा न छूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा जज्बा न छूटे, माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ जयकारा शेरावाली दा सच्चे दरबार की जय, मां रख चरना दे नाल चरना मोदी बड़ी, रख चरना दे नाल चरना दी मोदी बड़ी, माए रख चरना दे नाल चरना दी मोदी बड़ी, रख चरना सवाल, चरना की मौज भरी, माए स्वर्ग का
ਸਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਉਹ ਪਸ ਕੇ ਮਰੋ ਮਰੋ ਇੱਕੋ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਪਸ ਕੇ ਮਰੋ ਮਰੋ ਇੱਕੋ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਗ
जयकार करता तुम्हें भूल के काश उठावे तुम्हें भूल के काश उठाते हैं सब शरण में तेरी हम आवे सब शरण में तेरी हम आते हैं तेरा नाम हो जहां बहाना पाप रहता जल्ला 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 तेरी जय जयकार करता तुम्हें भूल के भी स्वीकारे हम तुम्हें भूल के भी स्वीकारे हम तुम्हें माता और पुत्र तुम्हारे हम तुम्हें माता और पुत्र तुम्हारे हम तेरी सारा जग काम करता तेरी शक्ति से ही सूरज और चाँद चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से सूरज और चाँद चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से ही सूरज और चाँद चढ़ता दरबार की छे नागनाथेश्वर विस्तरा भण भण तम सुर रत्न भले वासो देहल तंद करने नेत्र त्रय द्वेषित माला कंभ कपाल रज कर चंद्र धचोड़ा पर सर्वज्ञेश्वर भैरवा कर्णलया पद्मावतीं चिन्त सच्चे ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी प्रज्ञा भान भव भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्व जलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस आज समारोग्यम अवजात शुभमान महियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभ सस्मसन दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय मैया जय Yeah, I'm
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा जय दरबार की जय प्रेम से बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी 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 सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के माँ से प्रार्थना करेंगे संभल करके बोलना ओ देही सौभाग्यम आरोग्यम देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमम सुखम देही मे परमम सुखम रूपम देही जयम देही रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो देही यशो देही दुशो देही ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम सुमन करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती गणंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी जोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं।
जय का मजा नहीं आया, मेरा गला खराब है लेकिन आप सबका तो ठीक है, आवाज गूंजनी चाहिए पूरे ऐसे है ना, पता चले अपने जय बोली, अपनी जय को माँ की पहचान बना लीजिए ताकि जब जय बुलाएं आपके मुख से जय निकले, वो जय माँ पहचान ले जिस जय कौन बच्चा पुकार रहा है। तो भीड़ में अपनी आवाज पहचाननी हो तो सबसे ऊंची करनी पड़ती है, मन से दिल से पूरा जोर से अपनी बहुत गूंजनी चाहिए। मैं कैसे जोर लगाऊं, मैं हाथ से जोर लगाता हूँ, आप मुझे से जोर लगाए।